दोस्तों, अगर आप भी केएल राहुल और शिखर धवन को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए आज एक भारत और जिम्बाब्वे के बीच इंट्रा स्क्वाड मुकाबला खेला गया, जिसमें केएल राहुल ने शतक ठोक कर रच दिया इतिहास। तो वहीं हुड्डा और सैमसन ने अंतिम ओवरों में दिलाई भारत को शानदार जीत। बताएंगे इस इंट्रा स्क्वाड मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है, केएल राहुल, रोहित शर्मा और शिखर धवन में से कौन है बेहतर बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज की तैयारी में भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे से एक मुकाबला खेला, जहां जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ भारतीय टीम अपने लगातार 4थी बार क्लीन स्वीप करने के लिए हराने के मैदान पर उतरी, जहां मुकाबले से पहले इंट्रा स्क्वाड एक मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम की कप्तानी केएल राहुल ने की, तो वहीं विरोधी जिम्बाब्वे की टीम की कप्तानी रेगिस ने करी, जहां सबसे पहले भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विरोधी टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी, जहां विरोधी टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए कप्तान रेगिस और इनोसेंट मैदान पर आए और आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी प्रारंभ कर दी, जहां दोनों बल्लेबाजों ने ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जिसकी आंधी में भारतीय गेंदबाज भी उड़ गए। जहां भारतीय गेंदबाजों की तरफ से शुरुआती गेंदबाज कर रहे मोहम्मद सिराज और दीपक चहर को विकेट लेने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन पिछले कुछ समय से भारतीय टीम के लिए मुख्य गेंदबाज साबित हो रहे पार्ट टाइम स्पिनर ऑलराउंडर दीपक हुड्डा ने एक बार फिर से ब्रेक थ्रू दिलाया, जहां उन्होंने कप्तान रेगिस को 38 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया, जहां बल्लेबाजी करने आए मिल्टन ने आते ही 2 छक्के के साथ अपना खाता खोला और उन्होंने इनोसेंट के साथ मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, जहां दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना अपना अर्धशतक पूरा किया और कुलदीप यादव ने एक बार फिर से गेंदबाजी में तहलका मचाकर एक ही ओवर में दोनों खिलाड़ियों को आउट कर दिया, जिसमें इनोसेंट को 51 रन के स्कोर पर तो वहीं मिल्टन को 55 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड किया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए सिकंदरा राजा, जो जिम्बाब्वे के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे, और बैरल के साथ मिलकर उन्होंने अपनी बल्लेबाजी को आगे बढ़ाया और अपना अपना अर्धशतक पूरा करते हुए पारी को समाप्त भी किया, जहां सिकंदरा राजा ने 105 रन की नाबाद पारी खेली, तो वहीं बैरल ने 75 रनों की नाबाद पारी खेली और 315 रन भारतीय टीम के सामने जिम्बाब्वे ने सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर बनाए। लेकिन 316 रन के लक्ष्य का पीछा करने जब भारतीय टीम उतरी, तो भारतीय टीम की तरफ से कप्तान केएल राहुल और उपकप्तान शिखर धवन मैदान पर आए और केएल राहुल और शिखर धवन ने मिलकर पारी को बेहतरीन शुरुआत दी। लेकिन शिखर धवन जहां वेस्टइंडीज के खिलाफ कप्तान के तौर पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, यहां उनका बल्ला नहीं चला और वो बिना जोखिम उठाए पवेलियन को रवाना हो गए और उन्होंने मात्र 7 रन की पारी खेली और 18 गेंदों पर 7 रन बनाकर उनके इसके बाद बल्लेबाजी करने आए गिल 28 गेंदों पर 11 रन बनाकर आउट हो गए और दोनों विकेट सिकंदरा राजा ने लिए। लेकिन यहां भारतीय टीम पूरी तरीके से फंस गई थी। जहां पारी को संभालने के लिए संजू सैमसन आए, तो वहीं संजू सैमसन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल का ऐसा साथ दिया जो ना तो कभी टूटता हुआ दिखाई दे रहा था और ना ही किसी गेंदबाज पर टूटा, और विरोधी टीम के कप्तान ने सभी गेंदबाजों का उपयोग कर लिया, जहां इनकी टीम में मात्र 2 खिलाड़ियों के पास गेंदबाजी का ऑप्शन नहीं था, लेकिन बचे हुए सभी खिलाड़ियों ने जमकर गेंदबाजी कर ली, लेकिन फिर भी एक भी विकेट लेने में असमर्थ रहे। लेकिन अब दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना अर्धशतक 68 गेंदों पर और 71 गेंदों पर पूरा कर लिया था, जहां पावर प्ले के 10 ओवर में तो सिर्फ 22 रन बने थे। लेकिन यहां भारतीय टीम कहां मानने वाली थी, उन्होंने आगे 40 ओवर तक पारी को संभाला और 225 रन बना दिए, लेकिन अभी भी 10 ओवर में जीत के लिए 100 रन की आवश्यकता थी और 99 के स्कोर पर जब केएल राहुल पहुंचे, तो उन्होंने अपनी पारी को एक अलग ही मोड़ दे दिया, जहां केएल राहुल ने छक्का लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। लेकिन सिकंदरा राजा ने एक बार फिर से भारतीय टीम को तगड़ा झटका दे दिया, जहां उन्होंने कप्तान केएल राहुल को क्लीन बोल्ड कर दिया और केएल राहुल 135 गेंदों पर 105 रन, 7 चौके और 4 छक्कों की मदद से बनाकर आउट हुए। लेकिन अब बल्लेबाजी करने की पूरी जिम्मेदारी दीपक हुड्डा पर आ गई और दीपक हुड्डा ने सैमसन के साथ मिलकर पारी को संभाल लिया, जहां संजू सैमसन एक तरफ से पारी को संभाल रहे थे, तो दूसरी तरफ से दीपक हुड्डा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन अब मुकाबला रोमांचक हो गया, जहां 12 गेंदों पर जीत के लिए 28 रन की आवश्यकता पड़ी, तो वहीं दीपक हुड्डा ने यहां पर 2 चौके जड़ दिए और 42 रन पर पहुंच गए। लेकिन अब जैसे स्ट्राइक संजू सैमसन के पास आई, तो संजू सैमसन ने 2 गेंद खाली निकाल दी और महत्वपूर्ण ओवर की महत्वपूर्ण गेंद पर सिकंदरा राजा ने संजू सैमसन को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा दिया, जहां संजू सैमसन 98 रन के स्कोर पर आउट हो गए और अपना शतक लगा
लगाने से चूक गए, जहां संजू सैमसन 138 गेंदों पर 98 रन बनाकर पवेलियन लौटे। लेकिन इस बीच उन्होंने 7 चौके और 7 छक्के लगा दिए और बल्लेबाजी करने अक्षर पटेल आए, जहां अंतिम 6 गेंदों पर जीत के लिए 20 रन की आवश्यकता पड़ी। तो पहली गेंद पर अक्षर पटेल ने चौका लगाया तो वहीं अगली गेंद पर छक्का भी लगा दिया, लेकिन इसके बाद अगली गेंद पर सिंगल लगाकर पारी को डायवर्ट कर दिया और अभी भी 3 गेंदों पर जीत के लिए 9 रन की आवश्यकता थी। और अगली गेंद पर 2 रन दीपक हुड्डा ने ले लिए हैं और अब अंतिम गेंद पर छक्के की आवश्यकता पड़ी तो दीपक हुड्डा को यॉर्कर गेंद डालने की कोशिश करी, लेकिन ठिकाने पर गेंद नहीं गिरी और दीपक हुड्डा ने लंबा छक्का जड़ दिया और भारतीय टीम को जीत दिलाई। और दीपक हुड्डा ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया, जहां दीपक हुड्डा ने 48 गेंदों पर 50 रन की पारी खेली, जहां 3 चौके और 4 छक्के लगाए। और इस इंटर स्क्वाड मुकाबले को देख भारतीय मैनेजमेंट ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले मुकाबले के लिए जीत की अग्रिम बधाई शुरू कर दी। दोस्तों आपको क्या लगता है, पहले मुकाबले में भारतीय टीम जीत दर्ज कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।